अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, मेरी एनोनिमस की पब्लिक, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरत होंगे, मजे में होंगे, जाएंगे खुश होंगे अच्छा ज़्यादा हो गया और इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ को। तो बाबा जी, आप देख सकते हो क्या तो लॉबी आई थी भाई, मिथिक फैशन कॉन्करर 10, कॉन्करर 12 और भाई रेवनेक सूट, फेरो सूट, भाई धूम मचा रखी थी इन्होंने, नाच नाच के लॉबी में पूरा पार्टी क्लब बना रखा था भाई लोगों ने, अच्छे अच्छे गन से इनके पास। तो हमने सोच लिया था कि भाई ऐसे कैसे कान के नीचे लगाएंगे, बकरा बनाएंगे, फाइट लेंगे अच्छे से भाई लोगों के साथ, लेकिन उससे पहले एक सस्ती शायरी होनी चाहिए, है ना पब्लिक। तो अर्ज किया है, नहीं मैं सस्ती शायरी ना आपको लूट करते हुए सुनाऊंगा। तो अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, हमारे जो साइलेंट सर है ना, मतलब साइलेंट खोती, मैंने अपने सारे टीममेट्स का नाम रख दिया बाय द वे। तो साइलेंट का नाम आपको पता है खोती, जारो का नाम आपको पता है पॉटी, और बाकी दो का भी मैं बताता हूँ। तो हमारे जो साइलेंट सर, हम इनको क्या बोलते हैं कि भाई ऑल पे जाओ और साथ ही जाकर ना चैलेंज लग जाओ, अब ये पता जाए क्या करेगा, हेलो भाई मैं, मतलब जिसका प्लेन नाम, प्लेन पे नाम होता है ना, खुद वो बन जाता है, हेलो भाई मेरा नाम किलर है, मैं पचिंग की जा रहा हूँ, आ जाओ इस मैच में भी जाके। यही अच्छा, जिनका प्लेन है खुद उनको बोल रहा है कि मेरा नाम किलर है, वो बंदा पता क्या बोलता है, कह रहा भाई पहले तो आप मेरी बात सुनो, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ आप क्लियर नहीं हो, क्योंकि वो खुद ही होगा ना, तो ऐसे करके ना बेस्ती सी हो गई साइलेंट की, फिर आ गया ठीक है पब्लिक। अब मज़े की बात, वो चार लोग थे, हम तीन लोग थे, तो एक एडवांटेज था उनको एक बंदा ज़्यादा होने का, और सब जा रहे थे पॉचिंग की यानी पिंडी बाबा जी। तो साथ साथ भाई मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि डेली वीडियोज़ आ रही हैं, तो लाइक वाइक हल्के में नहीं आना, बिल्कुल जल्दी से लाइक बटन दबाना। अब आपको सुनाएंगे सस्ती शायरी। तो सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है बाबा जी, जैसे आपको पता है कि मैंने आपसे कल फ्यूरी का नाम पूछा था ना कि फ्यूरी का क्या नाम रखें, क्योंकि जारो का खोती हो गया, सॉरी साइलेंट का खोती हो गया, जारो का हमने पार्टी रख दिया, अब बचा फ्यूरी ठीक है। तो फ्यूरी का हमने कल, मैंने आपसे नाम पूछा था, तो मैंने एक नाम सोचा है पब्लिक, अब मैं आपको बताना चाहूँगा वो नाम ठीक है। तो अर्ज़ किया है कि वो पबजी प्लेयर हो ही नहीं सकता जो रात को है जल्दी सोता, वाह 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 वाह। अब आप बोलोगे खोता नहीं, भाई सबर कर जाओ, सबर, मेरी शायरी तो कंप्लीट होना, तो आप अपनी से पहले से जोड़ रहे हो यार, मेरी शायरी ख़राब कर रहे हो आप। कि वो पबजी प्लेयर हो ही नहीं सकता, वो पबजी प्लेयर हो ही नहीं सकता जो रात को है जल्दी सोता, फ्यूरी का हमने नाम रख दिया है लोटा। सस्ती शायरी विद एनोनिमस बाबा जी। अब आप बोलोगे एनोनिमस भैया एक का खोती, एक का पॉटी, एक का लोटा, तो मैच नहीं करता, तो मैं आपको बताता हूँ ना इसका रीज़न। देखो चौथा टीममेट हमारा एक और है, वो है एमके। अब हमने एमके का नाम रखा खोता, एक खोती, एक खोता, एक पोटी, एक लोटा, मिल गए सारे, मैच हो रहे हैं, खोता लोटा पोटी खोती, हो गए मैच ठीक है। अब ये एमके हो गया भाई खोता, फ्यूरी हो गया लोटा, और अब अपना उसका भी जाके उसका नाम बता देना कि भाई तेरा ये नाम रख दिया हूँ, बता रहा हूँ ठीक है पब्लिक। तो हम यहाँ पे उन्हीं से फाइट हो जाती है हमारी, वो जो थे बंदे, अब दो बंदे जारो की साइड थे, दो बंदे हमारी मेरी साइड से, यहाँ पे जिनका प्लेन था, जो लाइक इमोट वगैरह कर रहे थे, रेवनेक सूट और वो जो फेरो सूट था जिनके पास पब्लिक। एक बंदे को मैंने यहाँ पे नॉक किया था, वापस से घुस के मैंने उसको यहाँ पे डाउन किया, फ़ौरन से अपना किल कंफर्म किया ऊजी से ISPR अनस भैया को। अब पब्लिक इनके बाकी बंदे लेफ्ट पे, दो बंदे जारुक से फाइट ले रहे थे, तो जारुक ने ना दो को लेफ्ट पे 1v2 मारा था पब्लिक। अब हम बचे यहाँ पे मैं और साइलेंट है, तो इनका एक बंदा यहाँ पे होता है, पर वो निकल के आगे कहाँ जाता है भक्के भाई, उसको पता नहीं चला भाई, अचानक से इसके साथ ही थे ऊपर और अचानक से जम करके कहाँ चले गए, तो मुझे भी पता नहीं चल रहा था, मैं वेट कर रहा था कि भाई पता चल जाए, फिर मार्क करके जारुक बताता है भाई इस बिल्डिंग में आया था, मैं फ़ौरन से उस बिल्डिंग में रश करता हूँ, लेकिन भाई उसके पास ना कोई ख़तरनाक वाली ही गन होती है जो है शॉर्ट गन। अब यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था कि पैनिक थोड़ा करूँ उस बंदे को, और वो भागता है अंदर, मैंने यहाँ पे लो किया बेचारे को, लेकिन भाई साहब ने अच्छी शॉटगन मेरे कान के नीचे लगाई किलर भैया ने, लेकिन लो थे और साइलेंट जाके डाउन कर दिया, बट अच्छा मारा भाई ने। लेकिन पब्लिक हम में से एक भी बंदा नहीं मरता, और हम ये वाला स्क्वाड जो है पूरा वाइप कर देते हैं तीनों मिलके, और ऐसे बड़ा मज़ा आता भाई लोगों से फाइट लेने। पब्लिक अभी और भी बंदे थे यहाँ पे, शॉटगन यार होती ही ख़तरनाक है, क्या गंदी होती है, एक ही चिपकती है। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है पब्लिक, आप S12 की पांच मार लो, दुड़ल 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 पांच मारोगे कुछ भी नहीं होगा बंदे का, और कभी कभी एक शॉटगन से पूरा ना मतलब बंदा नीचे लेट जाता है। एक बंदा वहाँ पे घूम रहा था छोटे घर की तरफ, वो देखो भाग रहा है, और मैंने दो स्मोक फेंकी थी क्रॉस करने के लिए, क्योंकि आगे वाली साइड थे पब्लिक बंदे। अब मैं ध्यान रखता था, मैंने कहा ये ना भाई हम क्रॉस करें और ये स्प्रे दे दे, तो इसलिए पब्लिक मैं नहीं चाहता था भाई गलती हो। अच्छा वो वहाँ पे खड़ा था पर वो मार नहीं रहा था, तो मैंने डिसाइड किया भाई ठीक है क्रॉस कर लेते हैं, और जो सामने बंदा उस पर फोकस करते हैं। ये भागा भाई उस तरफ, सर जी, अरे सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, कहाँ हुआ, मेरे पारा, मेरे बाबू, मेरे छोना, मेरा मोना, ओहो भाई साहब
ऊपर हम गए, भाई साहब को हमने यहाँ पे डाउन किया, डेविल जेरी एक्स, वाओ वेरी गुड नेम। एंड छोड़ो, मेरी ना यहाँ पे शहरी अटक गई, बड़ी गंदी वाली अटकी। अब जो एक बंदा बचा था सोलो छोटे घर पे, वो भाई साहब पता नहीं बॉट वॉट मारा होगा, उधर लूटने चले गए होंगे, अब यहाँ पे घूम रहे थे। भाई इसको ना बस गन पकड़ के भागना आता है मेरे भाई को, ये जो सामने है इसको चलानी आती नहीं है गन पब्लिक। मैं आपको बताता हूँ, देखो ए मैं इसके सामने जा रहा हूँ, अब निकल के मारेगा नहीं, ये इतना ओपन में चला गया। आप होते ना आप तो मुझे नॉक फिनिश कर देते, बट भाई साहब निकल ही नहीं देते। अब यहाँ मैं इसको मारने आया, यहाँ से वापस भग लिया, भाई कितना भागेगा रे तू, पता नहीं इसकी टांगें पता नहीं है क्या है, देखो भाग ही जा रहा है। नोयान की तो फिर आपको पता, नोयान की बात ही अलग है, नोयान तो कितने दिन तक अर्तुरुल को पागल बनाता रहा, तो ये बंदा ये वाला नोयान थोड़ा दिन तो अनोनिमस को पागल बना सकता है। पब्लिक मेरा मेरिट आपने देखा गिर चुका था, मैं मेरिट के बारे में बात ही नहीं की, मैं भी आपको बताता चलूँ कि मैं खेल रहा था और हम जारो का ना गेम प्ले बनवा रहे थे, तो अब क्या होता है जारो मर जाता है तो हमने ना खुद को नेट करना था क्योंकि गेम प्ले उसका बनवा रहे थे। मैं नेट करता हूँ, मेरे टीममेट साथ में होते हैं और ये मेरा मेरिट गिरा के 40 कर देते हैं। अब मेरा 60 पे आप क्लासिक खेल सकते हो, 40 मेरिट मेरा मेन अकाउंट का हो चुका है, तो मैं क्लासिक नहीं खेल सकता, मैंने इसलिए आपको दिखाया कि मेन अकाउंट का, उसके बाद मैंने बात ही नहीं की थी यार, ये बड़ा काम खराब हो गया था। फिर मेरे को बड़ा बुरा लगा यार, फिर मैं कुछ भी नहीं बोला, बस मैं गेम ऑफ करके चला गया, मैं क्या बोलता किसी को। फिर मैंने गेम ऑफ कर दी इसी टाइम बंद करके, अब इसलिए पब्लिक मैं इस अकाउंट से खेल रहा हूँ, कुछ टाइम मुझे सोलो वाले खेल के ना अपना मेरिट वापस से बराबर करना पड़ेगा। देख लो ये हमारे टीममेट्स का काम भाई, एक तो ये मैं अब देखना एक गेम प्ले आएगा, मैं इनको उतने नेट करूँगा ना, मैं मेरिट का बदला लूँगा, लेकिन उसी अकाउंट से लूँगा, इस अकाउंट से नहीं लूँगा मैं, ना ना ना, जिस अकाउंट का तुमने हमारा मेरिट गिराया, हम उसी अकाउंट से तुमको इतना नेट करूँगा, इतना नेट करूँगा कि तुम्हारे कच्छे में इतना छेद हो जाएगा कि तुम को एक और कच्छा पहनना पड़ेगा। लॉल क्या बोली जा रहा हूँ मैं, हम लोग आए थे स्कूल यानी सियालकोट बावजूद यहाँ पे ना हमें लगा बंद होंगे। पब्लिक अब जो क्लच आने वाला है, आय हाय 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 हाय, मैं कह रहा हूँ मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे कोई भी नहीं होता, हालांकि मुझे लग रहा था कि बगी खड़ी है यहाँ पे क्योंकि दूर से रेंडर हुई थी। अब हम ना उस तरफ आते हैं जो हमें फायर करके बुला रहे थे। पब्लिक देखो ये चीज़ लाजमी नोट करना, वो मार रहे हैं, हम लोग बाहर नहीं निकले, अगर आप बाहर निकलोगे आपको गोलियां लग जाएंगी। अब देखो कितनी गोलियां मारी उन्होंने, गाड़ी की आधी हेल्थ हो गई, लेकिन हम लोग गाड़ी से बाहर नहीं निकले तो इतना डैमेज नहीं पड़ा भाई हेल्थ को, किसी को जारुक के अलावा तो किसी को डैमेज नहीं पड़ा। पब्लिक पे मैंने रश कर दिया, आप मेरा रश देखो, यहाँ पे वो नेड कर रहा है, आ रहा है भाई। मैंने ना फैसला कर लिया था छोड़ूंगा नहीं, उसी में दो को डाउन किया, ऊपर घुस के तीसरे को डाउन किया भाई, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, मौत कुछ हुआ और टक से वापस आ गए बाबा जी, मज़ा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया था। और फिर फ़ौरन से लूट की मैंने, आओ देखा ना ताओ, मैंने कहा भाई दुड़की लगाओ। पब्लिक आपने खुद देखा कितनी जल्दी जल्दी घुस के मैंने मार दिया, ना साउंड लिया ना कुछ, और ऐसे ये 1v3 हो जाते हैं यहाँ पे। पब्लिक अब जो स्कूल वाले बंदे थे ना, वो अभी अपना मतलब गन का साउंड देख के अभी वहाँ पे पंगे करने लगते हैं। तो जारो को रिवाइव मिल रहा था, फिर मैं उसको ढूंढ रहा था, वो है कहाँ ना पीछे के, मुझे वो नज़र आता है यहाँ पे स्विमिंग पूल में खड़ा हुआ। तो यहाँ से मैं कपड़े थोड़े से चेंज कर लेता हूँ, पिंकी विंकी नींद आ रही है, पब्लिक बड़ी नींद आ रही है, मैं सो जाऊँगा। हाँ पिंकी विंकी हमने सूट पहन लिया और हमारी गाड़ी की जो हेल्थ है वो और ज़्यादा कम हो चुकी है, पहले ही आधी थी। यहाँ पे उसामा भैया को डाउन कर दिया था जारोक ने, ये वही था स्विमिंग पूल वाला, और पहले इसकी हेल्थ कम थी, फिर ऊपर से बंदों ने और गोली मार के इसमें से काले धुएं निकाल दिए थे। तो फिर हमने एक साइड पे खोती को बिठाया, दूसरी साइड पे पॉटी को बिठाया और दुड़की लगा दी सीधा स्विमिंग पूल वाली साइड पे, कि देखिए जाएगी जो का चिकले होगा नौड़ा का चिकले होगा। लेकिन उसामा भैया के जो थे ना पजामा दोस्त, वो बिल्कुल भी आसपास नहीं थे और उन्होंने उसामा भैया को बिल्कुल ही अकेला छोड़ रखा था। लेकिन उनको एक टीममेट आता है, कहता है उसामा मैं तुझे बचाऊंगा भाई, वो बिल्कुल ही दूर से गाड़ी लेके कहीं पे आते, साउंड आता है हमें कि गाड़ी आई है और गाड़ी वहाँ पे खड़ी भी होती है, आके नेट कर रहा होता है सीधा उसामा भाई को बचाने आए थे यहाँ पे, ऐसा कुछ करके नाम था इनका भाई, मेरा सांस ही अटक गया आपका नाम लेने में। भाई को कोई अच्छा सा नाम रख लो, परी, पापा की परी, मामा का लाडला और मामू का कुछ, या खाला का कुछ, या पप्पा का कुछ, कुछ तो नाम रख लिया, ऐसा नाम रख लिया, बोला भी नहीं जा रहा, मुँह अजीब सा हो रहा बोल के भी भाई, तो अच्छा सा नाम रख लेते। पब्लिक ये भाई सबको लगा ये बच जाएंगे, लेकिन आय हाय क्या तो नॉक मज, पब्लिक ये नॉक मेरा फेवरेट था पूरे मैच में। आप लोग बताना कि आपको कौन सा किल फेवरेट लगा, और ये हमारे टीममेट्स ने अपना डैमेज ज़्यादा करने के लिए फ़ौरन से किल कंफर्म कर दिया, और फिर हमें यहाँ से जाना था बंदे ढूंढने के लिए क्योंकि पब्लिक फ्लेयर चली, तो हम फ्लेयर को चेस कर रहे थे। तो बाबा जी हम लोग दुड़की लगाते हैं, अपनी मेहरान गड्डी भगाते हैं बड़े टाइम बाद। अच्छा एक कमेंट आया था कि भाई एम4 फूल को भूल गए आप और अपनी वो ग्रीन वाले डायसा को भूल गए, तो मैं अभी स्किन्स चेंज करके ना पुरानी स्किन्स लगाऊंगा मेन अकाउंट में ताकि आप लोग देखो और आपको याद है, और मैं यार अब कुछ टाइम ना अपनी फूल से खेलूंगा मेन अकाउंट से इंशाल्लाह।
पब्लिक यहाँ पे मैंने मॉली फेंकी तो ये लोग ना एक बंदा इनका नीचे जंप कर देता। मुझे नहीं पता कि नीचे बंदा है, मैंने यहाँ पे नेट फेंका अचानक से निकल के आ गया भाई। मैंने ना हालांकि मेरे हाथ में अगर गन होती मैं उसको नॉक कर देता, पर मैंने ना लेट के अपना रिफ्लेक्स तो दिखाए पर मेरे हाथ में नेट था तो यहाँ पे मैं हो जाता हूँ डाउन। जारुक की हेल्थ रहती कम, अब यहाँ पे ना पब्लिक मेरे से जारुक मर गया था। ये जो हाथ में नेट वाली फिल्म है ना ये बहुत ही गलत फिल्म है देखना। यहाँ पे हम दो नॉक पड़े हैं, उनके भी दो नॉक हैं बंदे। मुझे यहाँ पे पब्लिक रिवाइव मिल जाता है। मैं ओहो वाह पिंकी कैसे हाथ उठा के आगे जा रही थी। पब्लिक में फ़ौरन से दुड़की लगा के अंदर हेल करने वाला था। अब मेरे पास एक नेट था, भले मैंने नेट निकाल के ना ऊपर जो बंदे थे कोशिश की कि एक और नॉक उनका हो जाए ताकि वो जंप ना करें क्योंकि मैंने हेल्थ नहीं की हुई और ज़ारुक नॉक पड़ा है, लेकिन नेट से कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक में हील कर रहा था, बंदा जंप करके आया था। देखो है तो बिल्कुल सादा सा, ज़ारुक को आके फिनिश कर देता है और मैं यहाँ पे नेट पकड़ के खड़ा हो जाता हाथ में। मुझे लगा गन है और मैंने यहाँ पे स्मोक हाथ में निकाल ली थी तो फिर इन दोनों को डाउन किया और फ़ौरन से की लूट बाबा जी। लेकिन हमें पे ओम AWM हमारी पहली मोहब्बत ओम मिल गई। वो अलग बात है कि पार्टी भैया ने जो है ना वो लॉबी का रास्ता पकड़ लिया, बट स्टिल वी गॉट AWM बाबा जी। और सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा था और बंदे नहीं थे पब्लिक, तो हम ना इधर उधर दोनों अलग अलग ढूंढते रहे बंदे ढूंढते रहे। फिर हमने लेजेंड, आपको पता है एमिनियम साइलेंट को लेजेंड बोलते, लेजेंड साइलेंट भैया को पहले बोला भाई बॉट मारो और फिर इनको बोला कि भाई प्लेन इनके पास था। पब्लिक देखो आसमान में उड़ रहा है, वो प्लेन नहीं होता वो उड़ा रहा है साइलेंट, इसको बोला बंदे ढूंढ भाई। तो उसने फाइनली एक बगी ढूंढ ली थी और इतने बड़े सर्कल में ये बगी भाग रही थी तो मैं उसको चेस करने लग जाता हूँ पब्लिक के। देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा अच्छे के लिए होगा। साइलेंट जैसा भी है कभी कभी काम आ जाता है ना पब्लिक, वो कहते ना गंदा पानी भी हो ना तो आग बुझाने के काम आ जाता है। लॉल मैं मजाक कर रहा हूँ, ही इज़ अ वेरी गुड गाय, ही इज़ वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ माइन। बट अब दोस्त को अब दोस्त को बुरा वाला नहीं बोलोगे तो और किसको बोलोगे है ना। अब वो दोस्ती ही क्या जिसमें दोस्त दोस्त को तंग ना करे। पब्लिक फिर मैंने हमें माली फेंक दी और पता नहीं कौन से कोने में बैठा था ये बंदा, चार नेड चार डिफरेंट डायरेक्शन से मैंने फेंके। मजा आ रहा है जो बंदा भाई मर जाए, पता नहीं कौन सी वेस्ट कौन सी हेल्थ लगा के बैठा था। अब आखिरी नेट मेरा नीचे गिर जाता है क्योंकि ये ना हाथ से छूट जाता है। अब पब्लिक मैंने ना यहाँ पे एक स्मोक करना था क्योंकि आपको पता है कि ओ भाई नेट आके मेरी हेल्थ चली गई और एक नेट वो भी कर देता तो मैं भाग के फ़ौरन से पहले हील करता हूँ। अब आप ये भी कहोगे कि घुस के मार सकता हूँ, साइलेंट दूर है पब्लिक, अगर मैं नॉक हो गया ना सारा गेम प्ले ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे ना पहले मैंने अपना को हील की और फिर मैंने डिसाइड किया उसको ओम से मारूंगा। स्मोक मैंने किया ही इसलिए था ताकि ऊपर जा सकूँ और फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी उसको AWM से मारना है। पब्लिक AWM निकाल ली पैनिक रूम में जाके और फ़ौरन से इसको ढूंढने लगा पब्लिक में, कहा भैया उस तरफ से भाई ने गोलियां चलाई तो मैं रुक जाता हूँ किसकी रीलोड पे लग जाए पब्लिक, जब तक किसकी रीलोड पे लगती है। वह देखो लेजेंड साइलेंट सर, आहा एक मारी और दूसरी मारी भाई हेल्थ खा गया था सारी है। उधर साइलेंट सर हमारे नॉक पड़े गिर के नॉक हो गए, काम देख लो लेजेंड साइलेंट की। मैं ऐसे नहीं इसको बोलता पब्लिक, होती बहुत ही रीज़न है आपको पता है। देखो जान छुड़ाई इसने, वो एक मैंने स्टोरी सुनी थी वो नमक वाली, आपने भी शायद सुनी हो बचपन में अपनी, कि वो गधे के ऊपर नमक डाल के लाद के लेके जा रहा था, उसका मालिक वो बार बार गिर जाता है पानी में ताकि वज़न हल्का हो जाए, फिर उसका मालिक समझ जाता है कि मेरा गधा जो है ये गड़बड़ कर रहा है जानबूझ के गिरता है ताकि पानी में नमक बह जाए और उसके ऊपर से वज़न हल्का हो जाए। तो नेक्स्ट टाइम उसका मालिक जो होता है वो गधे के ऊपर रुई डाल के ले जाता है और गधा जैसे ही पानी में गिरता है तो रुई में पानी भर जाता है और वज़नी हो जाती है रुई और ऐसे ना फिर गधे की पिटाई होती है खूब ज़्यादा और उसको वज़न उठाना पड़ता है। सो मुझे कभी कभी ना वो स्टोरी बिल्कुल साइलेंट में फिट लगती है कि ये ऐसा है। और देखो पैन देखो शेर वाला लगा रखा है, गधे ने शेर की खाल पहनी हुई है, मतलब क्या नहीं मतलब क्या। पब्लिक अब बचा था आखिरी बंदा, हमने उसको नॉक छोड़ दिया था उससे क्योंकि हमें पता चल सकता था उसका टीममेट कहाँ है, वरना इतने बड़े सर्कल में फिर से ढूंढना पड़ता और हमें उसको ज़िंदा छोड़ना सही साबित हुआ क्योंकि वो बेचारा तड़प तड़प के अपने टीममेट की तरफ ही जा रहा होता है और उससे हमें पता चल जाता है कि उसके टीममेट कहाँ हैं बाबा जी। तो हमें ना थोड़ा तंग भी करना था उसके टीममेट को, देखो पब्लिक वो राइट साइड पे जा रहा है तो सबसे पहले हमने राइट साइड ही देखा, मारा नहीं इसको और राइट साइड पे हम उसका टीममेट भागता हुआ नज़र भी आ गया। अभी बोल रहा था भाई बचा ले भाई, वो अपने टीममेट को रिवाइव देने चला गया, वो आ रहा है। लेकिन उसने भी स्पॉट कर लिया था, कोई नूब नहीं था पब्लिक, वो DP भी अच्छी चला रहा था। यहाँ पे फरहान भैया तो मर गए, फरहान भैया ने अपनी सारी लूट कहीं छुपा दी थी, आखिरी बंदा बचा है फिर भी फरहान भैया बड़े सीरियस प्लेयर हैं लूट छुपा रहे हैं। पब्लिक ये देखो उसने DP मारी, अभी चलो ये DP तो फिर भी कुछ समझ आती है, थोड़ी सी डैमेज दिया, लेकिन एक और DP मारेगा फरहान भाई का टीममेट और वो कुछ ज़्यादा ही गंदी DP होगी भाई। मैंने अपना 6-6 फुल कर लिया, मेरा दिल था कि इनको तंग किया जाए थोड़ा सा ना, इनसे पंगे शंगे लिए जाएँ, इनको थोड़ा तंग किया जाए, इनसे मस्ती की जाए, तो इसलिए मैंने अपनी 6-6 को फुल करके ना भाई को डैमेज देने की ट्राई की कि भाई हम यहाँ पे थोड़ा डैमेज वैमेज देते हैं, भाई से पंगे शंगे लेते हैं और उसके बाद मार देंगे इनको क्योंकि हम भी जोन में हैं वो भी जोन में है, जल्दबाजी कोई है नहीं। वैसे मैं एक ओम का हेडशॉट मार के भी जीत सकता था
पर मैं मतलब थोड़ा ना तंग करना चाहता था भाई को। यहाँ पर मैंने एक गोली मारी, भाई साहब उधर डीपी मार रहे हैं, दूसरी गोली मारी, भाई साहब फिर जाके कवर में हील वील करते हैं। फिर पब्लिक मैंने ट्राई किया कि एक स्मोक फेंकता हूँ रास्ते में, थोड़ा क्लोज जाके ना ओम से मारने की कोशिश करूँगा। तो मतलब क्लोज जाना, थोड़ा रिस्क लेना था जानबूझ के, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करना था अपने लिए, ठीक है। जैसे पब्लिक में आगे जाने लगता हूँ, ये डीपी पड़ी भाई मुझे, मेरी हेल्थ एकदम से कम। मैंने कहा लो भाई ये काम ख़राब हो गया, अब तो मेरे पास फर्स्ट एड भी नहीं है, और अपनी फरहान भैया जो है उन्होंने तो अपनी लूट छुपाई हुई है। तो मैं वापस से पीछे घर में आता हूँ, पब्लिक यहाँ से बैंडेजेस उठाता हूँ, और उसके बाद ना हील करता हूँ पहले तो कंप्लीट अपनी, और उसके बाद फाइट लेने की ट्राई करता हूँ। क्योंकि कभी कभी किसी को हल्का लेना भी महंगा पड़ जाता है आपको बहुत ज़्यादा। तो पहले तो मैंने फर्स्ट अपने बैंडेजेस वगैरह लगा के हेल्थ पूरी की पब्लिक, फिर मैं नीचे जंप कर देता हूँ और फिर अपनी आर्म निकाल लेता हूँ कि यार बहुत तंग कर लिया भाई को, अब मतलब मैच को फिनिश करते हैं। तो जैसे भाई निकालते हैं पीक, हमने फ़ौरन से जोन भी उन पर चला गया था। हाँ, ओपन में हूँ पब्लिक में, काफ़ी कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया अवैस भैया को, SSG अवैस। अरे वाह नाइस नेम पब्लिक। फिर मैं आपके लिए एक टीडियम भी लेके आया हूँ, और ये ऐसा टीडियम है जो कि लाइक रैंडम लोगों के साथ मैं खेल रहा था, लेकिन इतना इंटेंस, इतना मज़े का टीडियम था कि आप लोग बहुत इन्जॉय करोगे और बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं करने वाला, आप खुद ही पूरा टीडियम देख लो, मैं एंड में आपसे मिलता हूँ। और मज़ा नहीं आएगा अगर मैं वॉइस ओवर करूँगा, थोड़ा सा आप इंटेंस फाइट इन्जॉय करो, मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में बाबा जी। तो पब्लिक कैसा लगा आज का गेम प्ले? लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। कोई बात बुरी लगे तो माफ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना मेरी नानी मस्की पब्लिक। यार प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो एक इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ मैं मतलब जो मैं सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ इंस्टाग्राम ही है, तो आप वहाँ पर जाकर फॉलो कर देना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल, पहले मैं बोलता था जल्दी मिलेंगे लेकिन अब तो रोज़ वीडियो आ रही हैं भाई। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, दिल से लव यू मेरी एनोनिमस के लिए, सबको के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, अल्लाह हाफिज़।